नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं जेरेंड का टाइप सेकंड, जो जेरेंड का टाइप है वो किस प्रकार से पेपर में एरर आता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर जेरेंड टाइप टू चल रहा है। अकस्टम टू, अकस्टम टू एक एडजेक्टिव वर्ड है। ये आप चाहे तो लिख लीजिए यहां पे कि जो अकस्टम टू है वो एक एडजेक्टिव है। यहां पर अकस्टम टू का अर्थ होता है किसी बात या किसी काम का आदि होना। यानी जैसे मैं बोल दूं कि आई एम अकस्टम टू टीचिंग, यानी मुझे अब जो है आदत है पढ़ाने की, यानी मुझे आदत हो गई है पढ़ाने की। तो आई एम अकस्टम टू टीचिंग, मुझे पढ़ाने की आदत है। तो ये वर्ड आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका रीजन ये है कि अकस्टम टू के बाद हम हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेते हैं, यानी कि हम जेरेंड लेते हैं। अकस्टम टू के बाद हम फोर्थ फॉर्म लेते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब वही वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम आईएनजी लेते हैं अकस्टम टू के बाद हम। दोस्तों, तो यहां पे रूल देखिए क्या है, आई आई के साथ एम लगेगा, अकस्टम टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ही सी इट नेम के साथ इज आएगा, अकस्टम टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ऐसे यू वी दे के साथ आ रहेगा, अकस्टम टू वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट के लिए बनाया मैंने, ये सारा प्रेजेंट का है। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे घूमने की आदत है, मुझे घूमने की आदत है, या मैं बोल दूं कि मैं जो है ना घूमने का आदि हूं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मैं जो हूं मैं घूमने का आदि हूं, मैं घूमने का आदि हूं। तो मुझे यानी घूमने की आदत है या मैं घूमने का आदि, तो क्या हो गया, आई आई के साथ एम अकस्टम टू ले लिया, प्रेजेंट में जा रही है, आई एम अकस्टम्ड टू। और घूमने को क्या कहते हैं, वॉक, और वॉक में हमने लगा दी आईएनजी, बन गया सेंटेंस हमारा। आई एम अकस्टम टू वॉकिंग, यानी मैं घूमने का आदि हूं, मुझे आदत है घूमने की, भैया मेरे को बिना घूमे चैन नहीं मिलता। आ रही बात समझ में? ऐसे करके एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे। जैसे मैं बोल दूं कि तुम, या मैंने ऐसे लिख दिया तुम, चलिए ये ले लेते हैं तुम गाली गलोच, तुम गाली देने के आदि हो, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त है, कोई पड़ोसी है, यानी जब भी बात करेगा गाली देगा, बिना गाली दिए उससे बात ही नहीं होती। मैंने कहा भैया तुम तो गाली देने के आदि हो, मुंह से निकलती गाली निकलनी है पहले, तो है ना। तो तुम गाली देने के आदि हो, तो तुम यानी यू ये रहा, तो यू के साथ आर अकस्टम टू, यू आर अकस्टम टू, और टू के बाद हम क्या लेंगे, गाली देने को कहते हैं अब्यूज, और इसमें लगा देंगे हम आईएनजी अब्यूजिंग, तो बन जाएगा यू आर अकस्टम टू अब्यूजिंग। आप गाली देने के आदि हैं, आपको गाली देने की आदत पड़ी हुई है, आप गाली दे के बिना बात ही नहीं कर सकते आप, ऐसे। तो आप देख रहे हैं यहां पे हम ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं। अभी मैं फिलहाल आपको वो बता रहा हूं कि वाक्य की थोड़ी हिंदी समझे और बनाते कैसे हैं, फिर देन बेटा मैं बताऊंगा एरर कैसे आते हैं पेपर में। अब जैसे मैं बोल दूं कि सुनीता सुबह जल्दी उठने की आदी है, यानी सुनीता जो है, सुनीता जी जो भी है, सुनीता जी कोई होंगी, उनको जो है सुबह उठने की आदी है, यानी वो सुबह सुबह उठने की जो है उनको आदत है, आदत पड़ी हुई है, आदी है वह। तो मैंने लिख दिया सुनीता, नेम आ गया सुनीता, सुनीता के साथ इज अकस्टम टू लीजिए। तो मैंने यहां से देखो इज अकस्टम टू लिया, कस्टम टू, और सुबह सोकर उठे को कहते हो वेक अप, और वेक में लग जाएगा आईएनजी, तो बन जाएगा वेकिंग अप, है ना। तो वेक में हम क्या लगा देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा हमारा वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी को कहते हैं हम अर्ली मॉर्निंग। तो ये बन गया सेंटेंस। तो सुनीता इज अकस्टम टू वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग,
ऐसे करके सेंटेंस बनेगा। तो ऐसे जितने चाहे उतने सेंटेंस आप बनाइए, बस आप पे डिपेंड है, जैसा चाहो वैसा बना लो। जैसे मैं बोल दूं कि मैं यार कॉफी पीने का आदी हूं, तो आई एम अकस्टम टू, मैं कॉफी पीने का आदी हूं, आई एम अकस्टम टू टेकिंग कॉफी, हैविंग कॉफी, ड्रिंकिंग कॉफी लगा सकता हूं मैं आपके। अब मैं बोलूं कि हम क्रिकेट खेलने के आदी है, तो वी आर अकस्टम टू प्लेइंग क्रिकेट, यानी टू के बाद आप देख रहे हैं यहां पे अकस्टम टू के बाद, अकस्टम टू के बाद देखिए आई एन जी आ रही है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, अकस्टम टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, अकस्टम टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ रही है। अब हम आते हैं अपने एरर की तरफ, जो हमारा मुख्य मुद्दा है। ये तो मैंने आपको बनाना सिखाया अकस्टम टू में कैसे बनाते हैं। पेपर में एरर दे देगा बेटा ऐसे करके, जैसे देखिए आप ऐसे लिख देगा कि शी इज ए पार्ट, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये, शी इज, फिर यहां पे ऑप्शन दे दिया अकस्टम टू, शी इज अकस्टम टू प्ले प्ले क्रिकेट, और यहां मैंने बना दिया नो एरर। विच पार्ट इज रॉन्ग आप मुझे बताइए, शी इज ए पार्ट गलत, बी पार्ट गलत, या फिर सॉरी फॉर दैट ये वाला हमारा, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, बी गलत है, सी गलत है, नो एरर बताइए। तो आप कहेंगे सर कि अकस्टम टू के बाद हम क्या लेते हैं, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लेते, तो यहां पे प्ले की जगह पर बेटा प्लेइंग आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अगर ऐसे चार ऑप्शन दिए होते हैं पेपर में, एक गोला, दो तीन चार गोले होते हैं, तो बी पार्ट गलत है, बी पे टिक लगाते हैं आप और आपके एक नंबर डन हो जाते। तो आप यहां पे बस ये याद रखिए, अकस्टम टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लेंगे, अकस्टम टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखा आपने एरर का, जो मैंने अभी आपको समझाया दोस्तों, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से ये पेपर में एरर आता है। तो ये वाला पार्ट आप समझ में आ गया, ये सारा का सारा प्रेजेंट को शो करता है, क्योंकि इज, ये जो आर है, इज है, और ये जो एम है, ये प्रेजेंट को शो करता है ना, अकस्टम टू। अब आपको मैं दिखाता हूं इसका पास्ट, ठीक है एक सेकेंड। अब इसका पास्ट में देखिए, पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में जैसे आदत, आदि था, आदि थे, तो वाजवान आ जाएगा इसमें, पास्ट में आ जाएगा, तो इसे पास्ट में ऐसे बन जाएगा ये। जैसे मैं बोल दूं कि वह है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि वह है धूम्रपान, वह धूम्रपान करने, वह धूम्रपान करने की आदि थी, आदि थी, वह धूम्रपान करने की आदि थी, है ना, पांच में जा रही बात। वह लड़की है, आदिति थी से लड़की है, तो शी ले लिया यहां से, शी के साथ क्या आएगा, वाज, वाज लिया, फिर क्या चाहिए मेरे को, अकस्टम टू, और ये बन गया मेरा अकस्टम्ड टू। तो ये हो गया हमारा, वह धूम्रपान करने की आदि थी, यानी उसको जो है सिगरेट वगैरह पीने की जो है बिल्कुल वो आदि थी, उसे चाहिए चाहिए, सुक्का सुट्टा मारना ही था उसे। तो यानी लड़की शी, शी, शी के साथ वाज अकस्टम टू, अकस्टम टू आया, और स्मॉक आता है हमारा, तो स्मॉक में हमारी वर्ब की फॉर्म है, तो इसमें क्या लग जाएगा, स्मॉकिंग बन गया सेंटेंस। शी वॉज अकस्टम टू स्मॉकिंग, वह धूम्रपान करने की आदि थी, सिगरेट विगरेट पीने की उसको आदत थी। अब जैसे मैं बोल दूं कि मुझे, मुझे झूठ बोलने की आदत थी, यानी मैं झूठ बोलने का आदि था, मैंने लिख दिया चलो मैं झूठ बोलने लेकर आदि था, आदि था, यानी मुझे झूठ बोलने की आदत थी, बिना बोले रहा नहीं जा रहा था, तो आई आया, और आई के साथ वाज अकस्टम टू, ये पास्ट में जा रहा है, was accustomed to आ गया, I was accustomed to, I was accustomed to, झूठ बोलने को क्या कहते हैं हम, tell बोलते हैं, और उसमें क्या लग जाएगा हमारा ing, telling a lie।
बन गया सेंटेंस। आई वॉज अकस्टम टू टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोलने का आदि था, यानी इस तरीके से सेंटेंस आप बनाए या बोले आप स्पीकिंग में, ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको इसकी हिंदी भी समझ में आने लगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा पेपर में एरर कैसे आते हैं, जो मेन मुद्दा है, लेकिन बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए दोस्तों। तो ये बात पास्ट में थी, एक इसको सेंटेंस ले लेते हैं। चलो मैं बोल दूं कि तुम गाली देने के आदि थे, चलिए ले लिया मैंने, या मैं लिख दिया चलो गाली हटाओ यार, थोड़ा कुछ अच्छा सा ले लेते हैं। मैं बोलूं कि तुम चाय पीने के आदि थे, तुम चाय पीने के आदि थे, यानी आदत थी आपको चाय पीने की, तुम चाय पीने के आदि थे, यानी यू के साथ भी वर आ गया हमारा, फिर क्या है अकस्टम टू, ये हो गया हमारा अकस्टम टू, और पीने को हम गर्म चीज पीने को टेक कहते हैं, इसमें लगा दिया टेकिंग और ये बनाया मैंने टी और बन गया सेंटेंस पूरा हमारा, यू वर अकस्टम टू टेकिंग टी। तो आप देख रहे हैं अकस्टम टू, टू के बाद हम यहाँ पे आईएनजी लगा रहे हैं, है ना। अब मैं आपको ले चलता हूं एरर की तरफ। एरर में देखिए क्या होगा दोस्तों, पहला एरर, तो एक चीज याद रखना अकस्टम टू के बाद हमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चाहिए, तो इस पार्ट पे ध्यान रखना है। अब पेपर में आपको देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 देखे, ऐसे ले देता कि यू, चलिए थोड़ा सा दे ले लेते, देवर, और मैंने यहां पे लिखा देवर अकस्टम टू, पहला ऑप्शन स्लीप, चलिए मैंने यहां पे लिख दिया स्लीप, दूसरा ऑप्शन स्लेप्ट, तीसरा ऑप्शन स्लीपिंग, चौथा ऑप्शन स्लीप्स, बताओ कौन सा वाला ऑप्शन आता। तो आप कहेंगे सर आपने हमें बताया कि अकस्टम टू के बाद हम क्या लेते हैं, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लेते हैं, तो राइट आंसर सी इज राइट आंसर, ऐसे चार ऑप्शन हो जाएंगे बेटा और चार गोले हो जाएंगे ऐसे, तो सी वाला राइट है, सी पे टिक लगाया और एक नंबर हमारे डन हो गए दोस्तों ऐसे, ठीक है। तो ये कह रहा ऐसा आया, पेपर में कर लेंगे आप डन। और अब इसके बहुत रिलेटेड एरर है, मैं आपको समझाऊंगा। एक एरर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, पास्ट प्रेजेंट का आ सकता है। जैसे मैं बोल दूं कि, जैसे मैंने बोला कि ऐसे कर दिया मैंने कि शी वाज, ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको वो हर चीज बताऊंगा। जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य को वो सारे ज्ञान देता है ताकि वो अपने दुश्मन को प्रस्त कर दे, हरा दे, ऐसे ही एग्जामिनर क्या है, वो आपका दुश्मन है, है ना, जो युद्ध के मैदान में आपके लिए कड़ी चुनौतियां रखता है, एग्जाम्स के अंदर एक टफ टफ टास्क रख देता है आपके सामने, और आप क्या है, आप वो योद्धा है जो आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी एग्जाम को आपको उड़ाना है, और हम आपके गुरु हैं, हम आपको पूरा वो ज्ञान देंगे ताकि आपको पूरे शस्त्र देंगे, वो ब्रह्मास्त्र देंगे ताकि आप उड़ाए चले जाओ पेपरों को, हवा की तरह उड़ा दो, हवा की तरह ऐसे फूक मारो और उड़ जाए एग्जाम आपका। तो देखिए आपका ऐसे दे दे, शी वाज अकस्टम टू, और मैंने यहां पे लिख दिया ईटिंग एग्स, ठीक है ना, और यहां पे लिख दिया मैंने एट प्रेजेंट, और ये मैंने सी ऑप्शन बनाया और ये बन गया हमारा नो एरर। अब बताओ कौन सा पार्ट गलत है। तो आप कहेंगे सर अकस्टम टू के बाद तो आप आईएनजी भी लगा रहे हो तो सही है यार, तो एरर फिर आखिर है कहां, है ना। तो भैया जो एरर है मेरे दोस्तों है कहीं है, तो एरर देखिए क्या यहां पर एरर पकड़ने के लिए, देखिए यहां पर ये किसको शो कर रहा है टाइम, एट प्रेजेंट वर्तमान को शो करता है, यानी अभी वर्तमान को शो कर रहा है, राइट नाउ, ठीक अभी, तो क्या कह रहा है। और यहां पे देखना क्या लगाया मैंने, वॉज लगाया, और मैंने बताया आपको बार बार बता रहा हूं कि टाइम कभी भी गलत नहीं होता दोस्तों, टाइम हमेशा सही होता है, ठीक है। टाइम के आधार पर हम वाक्य के वर्तमान काल का, यानी वर्तमान फ्यूचर
मतलब भविष्यकाल और हमारा हो गया पास्ट, भूतकाल का पता करते हैं। तो एट प्रेजेंट प्रेजेंट को शो कर रहा है, जब भी प्रेजेंट को शो कर रहा है तो यहां पे वाज के स्थान पर इज आएगा शी के साथ, क्योंकि शी के साथ इज आता है प्रेजेंट में। ये देखिए ही शी के साथ हम इज लेते हैं प्रेजेंट में, तो वहां पर वाज गलत है, यहां पे वाज के स्थान पर शी आएगा। तो शी इज, जब शी के साथ इज लगाओ, शी इज अकस्टम टू ईटिंग एग्स एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में, अभी आजकल उसको जो है क्या अंडे खाने की आदत है, यानी वो अंडे खाने का आदि हो गया है, आदि हो गई है, लड़की है देखिए यहां पे, तो वो अंडे वंडे खाने की आदि हो गई है, बिना खाए उसे रहा नहीं जाएगा, लाइक दिस। तो याद रखना, ऐसे भी ध्यान रखना, कई बार ये मत सोचना यार कि आपका फोकस सिर्फ यही रहे, कि सुरेश यादव सर ने कहा था कि यार अकस्टम टू के बाद आईएनजी, अकस्टम टू के बाद आईएनजी, अरे ठीक है भैया अकस्टम टू के बाद आईएनजी आएगी, डन, बट कहीं और भी तो एरर हो सकता है ना। तो देखिए यहां पे अकस्टम टू के बाद हमने आईएनजी लगाया, लेकिन एरर हेल्पिंग वर्ब में भी आ गया। तो याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब पे भी हमें ध्यान रखना है, फोकस रखना है कि कहां पर वाज आना है, वर आएगा कहां पे, इज एम आर आएंगे, इन चीजों पे ध्यान रखना है, पास्ट में हो रही है बात या वाक्य में प्रेजेंट की बात हो रही है, इस तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना भी चाहिए आपको। सो नाउ एक और देखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी एक एग्जाम्पल ऐसे दे दे कि यू आर यू आर अकस्टम टू एक सेकेंड, यू आर अकस्टम टू रीडिंग द रीडिंग द चलिए इसको भी हटा देते हैं, रीडिंग बुक्स, ठीक है ना, और यहां पे मैंने लिख दिया 3 years ago, और ये मैंने बना दिया नो एरर की स्पेलिंग ले देते हैं थोड़ी सही से, बच्चे सोच रहे हुए कि आप लोग क्या लिखता हूं मैं यहां पे, तो ये देखिए एन ओ नो ई डबल आर ओ आर, नो एरर, कोई इसमें त्रुटि कोई कमी नहीं है। तब मुझे बताओ क्या एरर है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले वाक्य के शुरू में जाएं, आप सब वाक्य पूरे वाक्य में जाके देखो बात प्रेजेंट में हो रही है पास्ट में हो रही है, तो देखेंगे आप यहां पर क्या रहा है, एगो 3 साल पहले, 3 साल पहले तुम्हें क्या थी, तीन साल पहले तुम क्या किस चीज के आदि थे, तुम किताबों को पढ़ने के आदि थे, 3 साल पहले जो है तुम किताबों के पढ़ने के आदि थे, यानी आपको आदत थी। तो जब ये बात पास्ट में जा रही है एगो, तो यहां पे आर की जगह पर पास्ट में यू के साथ क्या आता है, वर आता है, तो यहां पे आर के स्थान पर बेटा वर आएगा, और दिस पार्ट इज रॉन्ग। तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा कि कौन सी बात पास्ट में हो रही है और कौन सी बात प्रेजेंट में हो रही है, और ये तो याद रखना ही आपको, अकस्टम टू के बाद हम वर की फसों में आईएनजी लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एरर्स, नो सीधी पहला पॉइंट्स बताओ इस पे कौन से वाले पार्ट में एरर है, बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। सेंटेंस लिखा आई एम अकस्टम टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, तो कहेंगे सर इसमें कुछ पास्ट प्रेजेंट की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां पे देखिए अकस्टम टू के बाद आप यहां पे देखो वेक नहीं आएगा, वेक की जगह क्या आएगा, वेकिंग अप आएगा, क्या आएगा, वेकिंग अप आएगा। तो यहां पे हमारा बी पार्ट गलत है, शी इज नॉट अकस्टम टू बीन ट्रीटेड लाइक दिस। तो यहां पे देखना जरा अकस्टम टू के बाद क्या ना बीन आ रहा है, अरे भैया यहां पे बीन नहीं आएगा, क्या आएगा, बीन की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है वो आएगी हमारी बीइंग, यानी हमें पे आईएनजी लगाना है यहां पे, तो ये बनेगा शी इज नॉट अकस्टम टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, यानी कि इस तरीके से उसके साथ वर्ताव किया जाए, इस तरीके से उसके साथ वर्ताव किया जाता है वो इन चीजों की आदि नहीं है, वह जो है इस तरीके से जो वर्ताव किया जाता है उन चीजों की वो आदि नहीं है, उसको आदत नहीं है कैसे उसके साथ वर्ताव किया जाता है। इस तरह यहां पे अकस्टम टू के बाद बीन नहीं, बीइंग आएगा, ये याद रखना बीइंग। अब बताओ वी आर इसमें कौन सा वाला आएगा, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, आप ही बताओ, ऐसे एरर आ सकते हैं पेपर में, इसलिए मैंने बना दिए कुछ एरर। वी आर टुगेदर अ कस्टम ऑफ वर्किंग
accustomed to working, accustomed in working. तो आप कहेंगे यहां पर कि सर अभी आपने पढ़ाया था कि अकस्टम टू होता है, पूरा क्या होता है, अकस्टम टू होता है, अकस्टम टू होता है, और अकस्टम टू के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी. नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला है, बी पे टिक लगाइए और एक नंबर अब आप ही कह दो, डन 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 डन, है ना. चलिए एक और एरर, शी इज अकस्टम टू ट्रेवल अलॉट, नो एरर. इसमें कौन सा वाला पार्ट गलत है, तो आप कहेंगे सर कि यहां पे ट्रैवल गलत है, ट्रैवल की जगह ट्रैवलिंग आना चाहिए, ट्रैवल की जगह ट्रैवलिंग वर्ड आना चाहिए. तो यहां पे बनेगा राइट वर्ड सेंटेंस, शी इज अकस्टम टू ट्रैवलिंग अ लॉट, उसको जो है बहुत ज्यादा घूमने की, यानी गाड़ी वगैरह में यात्रा करने की जो है बहुत ज्यादा, उन चीजों की वह कौन है, यह सब्जेक्ट शी है, वह आदि है, उसको जो है बहुत ज्यादा यात्रा करने की, घूमने की, ट्रैवलिंग करने की आदि है, आदत है उसको, इस तरीके से. तो ये था हमारा अकस्टम टू. तो सबसे पहले आप माइंड में याद रखना, अकस्टम टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेते हैं, याद रखिएगा. एक छोटा सा रूल बना दे रहा हूं यहां पे कि अकस्टम्ड टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेते हैं, और यदि अकस्टम टू के बाद बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वी सेकेंड, या वी थर्ड, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको कहीं पे भी ई एस या एस वाला दिखाई दे दे, तो ये सारे क्या होंगे, हमेशा ये सारे हमेशा गलत होंगे, यानी थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी इसके साथ. ठीक है, अकस्टम टू के बाद हम यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं लेंगे, सेकेंड फॉर्म नहीं लेंगे, थर्ड फॉर्म लेंगे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस वाला जो होता है ना, एस सी एस वाला होता है, वो एस सी एस भी नहीं लेंगे हम यहां पर, इनके साथ हम ई एस एस भी नहीं लेंगे, ये सब गलत होंगे. ठीक है, सीधे में क्या चाहिए, कस्टम टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लेंगे, एक चीज ये याद रखिएगा. दूसरा एक और पॉइंट बता दूं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अकस्टम टू के बाद हम कोई यहां पे नाउन ले सकते हैं, यहां पे हम कोई नाउन ले सकते हैं, है ना, नाउन भी ले सकते हैं बेटा, ऐसी बात मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूं यहां पे कि हम नाउन भी ले सकते हैं और यहां पे हम एडजेक्टिव वगैरह भी ले सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी ले सकते हैं. अगर ऐसा आता है तो आईएनजी नहीं आएगी. अकस्टम टू के बाद हम नाउन भी ले सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि मैं कॉफी का आदि हूं, आई एम अकस्टम टू कॉफी, लेकिन मैं कॉफी पीने का आदि हूं, तो अगर पीने की क्रिया आ गई तो फिर आईएनजी लगेगा, आई एम अकस्टम टू टेकिंग कॉफी आएगा, याद रखना. तो यहां पे ऐसे आ सकता है, जैसे मैं बोल दूं कि मैं तेरा आदि हूं, आई एम अकस्टम टू यू, यानी मैं तुम्हारे लिए जो है तुम्हारा आदि हूं. जैसे मैं बोल दूं कि आई एम अकस्टम टू टीवी, मैं टीवी का आदि हूं, आई एम अकस्टम टू क्रिकेट, मैं क्रिकेट का आदि हूं, मैं प्यार का आदि हूं, आई एम अकस्टम टू लव, ऐसे करके. तो लव क्या है, नाउन है हमारी यहाँ पे, समझ में आ गया. मैं बोल दूं कि तुम जो है तुम पैसों, तुम कॉफी के आदि हो, यू आर अकस्टम टू कॉफी, तुम दारू के आदि हो, यू आर अकस्टम टू, यू आर अकस्टम टू वाइन, या फिर एल्कोहल कह सकते हैं आप, या दारू के आदि है, तो किसी चीज के आदि है, वो नाउन भी आ सकते हैं, लेकिन जब काम करेगा, क्रिया आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगानी है, ये याद रखना. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, या फिर नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो ठीक होगा, लेकिन अकस्टम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये आ गई, तो ये हमेशा क्या होंगे, गलत होंगे, हमेशा क्या होंगे, ये गलत होंगे बेटा, गलत होंगे, गलत होंगे, गलत होंगे, है ना. चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख के दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा और अच्छा आएगा. यानी अकस्टम टू के बाद बी वन आए तो गलत, वी सेकेंड आए तो गलत, और वी थर्ड फॉर्म आए तो भी गलत, और बी वन यानी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में अगर ई एस या एस आता है तो भी वो गलत होगा. ठीक है, तो ये सारा का सारा गलत होगा. तो ये था हमारा कस्टम का पूरा यूज. इससे बाहर कुछ नहीं बचता, मैंने सारा पढ़ा ला दिया. ये जीरंड का सेकंड टाइप आपने पढ़ा मुझसे, ठीक है. सो प्लीज आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा. प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला, खाटू श्याम इंग्लिश वाला. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए.
थैंक यू सर।